विधानसभा चुनाव में ये एकजुटता दिखेगी, और अगर किसी पार्टी ने हमारी अनदेखी की तो उसको अपने परिणाम भुगतने होंगे। मैं आप लोगों से सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आज की महापंचायत के जो हमारे 5 महत्वपूर्ण हैं कि सरकार हमें स्थापत्य कला बोर्ड का गठन करें, जयपुर राजस्थान के सभी जिलों में कुमावत छात्रावास की भूमि दे, निर्माण के लिए सहायता राशि दे जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े। राजस्थान में हमारे समाज के 1500 वकील हैं, हाई कोर्ट हो चाहे जिला न्यायालय हो उसमें जो नियुक्तियां होती है सरकार के द्वारा वो नियुक्तियां दी जाए। हमारा जो आरक्षण है 21% से बढ़ाकर 27% किया जावे, और इस आरक्षण का वर्गीकरण करके 7% कुमाऊं समाज को दिया जावे। ये आज की महापंचायत के मुख्य बिंदु हैं जिनके लिए हमको लड़ाई लड़नी है। इन्हीं सब बातों से कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय कुमाऊं समाज। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। हमें आगे की कड़ी में श्रीमान खुश कमल जी राजसमंद से हमारे बीच में है। खुश कमल जी हमारे बीच में आए और संस्कृत में मात्र करके चले छोरे अंडी लाके इनके शोक नवा भारत माता की। मैं सभी भारतवर्ष से पधारे हुए कुमावत समाज के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि रोड पर आने जाने वाले व्यक्तियों को ये पता लग जाना चाहिए कि आज इस जयपुर में कुमावत समाज की महापंचायत हो रही है। इस जयकार के साथ उन लोगों को एहसास होना चाहिए कि इस बड़े महापड़ाव में आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कुमावत समाज एक ताकत के रूप में उभरने वाला है। बड़ा कुमावत समाज की सम्मानित मंच और हमारे भारतवर्ष से पधारे हुए सभी समाज बंधु, मैं इस महापंचायत में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज हमारे राजस्थान में कुमावत समाज की इतनी आबादी होते हुए हमारे सभी पार्टियां हमें अनदेखा कर रही है, लेकिन मैं जिस विधानसभा से आता हूँ उस विधानसभा में 50,000 मतदाता कुमावत समाज के निवास करते हैं। लेकिन भाइयों, दुर्भाग्य का विषय है वहाँ का विधानसभा का सदस्य ऐसा व्यक्ति बनता है जिसके 100 मेंबर 100 समाज के मतदाता नहीं होते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक लोकतंत्र में मूड़ियाँ गिनी जाती है, जहाँ हमारे समाज में लोकतंत्र की ताकत नहीं बताएंगे तो वो पार्टी हमें सम्मान नहीं देगी। मैं एक छोटी बात मैं को बताना चाहता हूँ। बिहार के गया जिले में एक दशरथ मांझी नाम का व्यक्ति रहता था, उसने उसकी पत्नी की मौत हो जाती है क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती है, एक पहाड़ को कवर करके घूम कर जाना पड़ता है। लेकिन भैया, उस माझी नामक व्यक्ति ने 22 साल के निरंतर हथौड़ी और उस टांकी से उस पहाड़ को बीच में रास्ता कर दिया, और उस पत्नी की याद में उसने ये निश्चित किया कि मैं आने वाले लोगों को इसका सबक सिखाऊंगा कि इस अनहोनी काम को हम कर सकते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर, सभी को मिलकर हमें राजस्थान में कुमार समाज को मिलकर सभी सीटों पर जहाँ कुमार समाज की एकता है वहाँ पर अधिक से अधिक मतदान